पोटेंशियल ग्रेडियंट के कांस्टेंट होता है, सबको पता है। तो ये डायग्राम में ना आपको देखने में ऐसा लगेगा कि चार चार बैटरी लगा रखी है, नहीं चार नहीं है, पहली बारी में सिर्फ दो है, फिर दूसरी बारी में नीचे वाली दो है, ऐसे है। पहले ये सिर्फ ये कनेक्शन है, फिर ये कनेक्शन है, अलग अलग है, नहीं तो उसको दो डायग्राम बनाने पड़ते, इन दो के अलग, इन दो के अलग। मुझे समझ में आ रहा है कि ये बैटरी प्लस माइनस माइनस प्लस, तो उल्टी कनेक्टेड है एक बैटरी, तो नेट ईएमएफ E1 माइनस E2 होगी, या E2 माइनस E1 होगी, जो भी है, E1 माइनस E2। और दूसरे केस में दोनों बिल्कुल सीधी कनेक्टेड है, तो E1 प्लस E2 होंगी। तो कह रहे जब ये मैंने उल्टी कनेक्ट की E1 माइनस E2, तो बैलेंसिंग लेंथ आई 120 सेंटीमीटर पे, और जब मैंने सीधी कनेक्ट की तो 300 पे। तो आपको निकालना है E1 E2 का रेशियो। तो हमने क्या किया था कि अगर ये E1 माइनस E2 है और बैलेंसिंग लेंथ 120 है, तो हमने क्या किया, E1 माइनस E2 इज प्रोपोर्शनल टू 120 कांस्टेंट के लगा दिया, और दूसरे केस में E1 प्लस E2 प्रोपोर्शनल टू 300 कांस्टेंट के लगा दिया। तो यहां से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या आ गया, E1 A2 इन टर्म्स ऑफ के, इन्हें डिवाइड कर लिया आंसर, तो एक आंसर आ गया EMF का। क्या ये पॉइंट क्लियर है? दूसरा, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर सेल E1। कह रहे जब अकेला E1 अगर मैं लगाता, इन चारों को हटा दो, अकेला E1 लगाता, तो बैलेंसिंग लेंथ क्या आती? तो मुझे एक बात बताओ कि E1 की वैल्यू आई कितनी हुई है, 210 इंटू के। तो ये जो लेंथ होती है, ये क्या होती है एक्चुअल में, बैलेंसिंग लेंथ ही तो होती है। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 210 सेंटीमीटर आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? इसी के क्लियर है यहां तक? इसी के बेस पे इस क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। टू सेल्स आर कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी का मतलब प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब सीधे कनेक्टेड हो, सेम पोलैरिटी, और ऑपोजिट पोलैरिटी का मतलब एक उल्टा एक सीधा। तो दो केस बनेंगे, एक में सेल सीधे कनेक्टेड है, एक में एक सीधा एक उल्टा कनेक्टेड है। तो पहले केस में नेट EMF E1 प्लस E2 है, दूसरे केस में E1 माइनस E2 है। तो बैलेंसिंग लेंथ इन टू केसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले केस में E1 प्लस E2 है प्रोपोर्शनल टू 350, दूसरे केस में E1 माइनस E2 प्रोपोर्शनल टू 50। यहां से प्रॉब्लम यह है कि आपको अब रेशियो नहीं निकालनी E1 E2 की, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है E1 E2 की, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो आपको के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब के लिए सुन लो, रियोस्टैट इसमें गिवन नहीं है, रियोस्टैट की बात ही नहीं कर रहा, तो नो रियोस्टैट, दिखा भी नहीं रहा। तो रियोस्टैट की रेजिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पे इन वायर की रेजिस्टेंस 0 है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन पॉइंट पे डेवलप हो जाएगा। तो अगर ये 5 वोल्ट है तो पूरे यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो अगर ये 5 वोल्ट है और लेंथ कितनी है वायर की, 5 मीटर, तो 5 वोल्ट बाय 5 मीटर क्या आ गया, के की वैल्यू आ गई। तो इस के की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो E1 प्लस E2, E1 माइनस E2, तो यहाँ से E1 एंड E2 कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज।
देखो क्वेश्चन है, 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लंबी वायर है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस। ध्यान से पढ़नी है स्टेटमेंट, 10 मीटर वायर है, 20 ओम की रेजिस्टेंस है, पोटेंशियोमीटर वायर की बात कर रहे हैं, इज यूज्ड एज अ पोटेंशियोमीटर वायर। अ वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज यानी कि पोटेंशियोमीटर बैटरी की वोल्टेज है 5 वोल्ट अलोंग विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 480। तो रियोस्टैट इसमें 480 है। तो ये डायग्राम हो गया। इफ एन अननोन ईएमएफ ई इज बैलेंस्ड एट 600 सेंटीमीटर, तो एक ईएमएफ लगाया और ये बैलेंसिंग लेंथ क्या है 600, राइट? तो ईएमएफ लगाई और बैलेंसिंग लेंथ क्या है 600। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है पोटेंशियोमीटर वायर का, ठीक? तो रूल नंबर वन, इसके अंदर सबसे पहले अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है पोटेंशियोमीटर वायर का, तो पहले काम करते हैं कि बैटरी में से कोई करंट बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग तो वैसे ही 0 है, तो सारा का सारा करंट यहीं से जाएगा। कितना? 5 / 480 प्लस इसकी रेजिस्टेंस क्या है 20। तो आई इज 5 / 480 प्लस 20 यानी कि 0.01 एम्पियर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर अगर E है तो बैलेंसिंग लेंथ पे भी एग्जैक्टली क्या डेवलप हो जाएगा? E, तो E इज इक्वल टू क्या? करंट I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 600 सेंटीमीटर। तो E इज इक्वल टू I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 600 सेंटीमीटर। तो E इज इक्वल टू करंट I हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 600 क्या आएगी? अगर टोटल लेंथ 10 मीटर है, 10 मीटर इनटू 100 सेंटीमीटर, तो रेजिस्टेंस कितनी है? 20 ओम है, 1 सेंटीमीटर के लिए इतनी है और 600 सेंटीमीटर की 12। तो आप यहां पर 12 पुट कर दें, आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी आंसर। फिर अल्टीमेटली लग तो वही ओम्स लॉ रहा है, बस आपने ये देखना है कि नीचे E और ऊपर E सेम है और ओम लॉ इस पोर्शन में लगा देना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसमें और क्या निकालना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? क्या होगा आंसर पोटेंशियल ग्रेडियंट का बताओ? पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी? ये बताओ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने अभी कितना निकाला? नीचे से 0.12 वोल्ट ही निकाला और इसकी लेंथ कितनी है 600। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? 0.12 वोल्ट / 600 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो 6, तो आंसर आ जाएगा के आ जाएगा। कितना है निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ डायग्राम ए बी इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम। तो ए बी वायर 15 ओम की और लेंथ इसकी 1 मीटर है। इट इज कनेक्टेड टू सीरीज विद एन अरेंजमेंट ऑफ सेल ई एम एफ ई वन एंड जिसकी वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है एंड अ रेजिस्टर आर जो कि रियोस्टैट है। तो ये डायग्राम आपको दे रहा है, ये इस डायमेंशन दे रहा है इस वायर की। अब वो क्या कह रहा है कि एक बैटरी है E2 जिसकी EMF है 75 मिलीवोल्ट। इन दिस सेटअप बैलेंसिंग लेंथ इज ऑब्टेन्ड एट 30 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ये E2 लगाऊं जिसकी वैल्यू की बन गया ना कि E1 भी दे रहा है E2 भी दे रहा है, तो
तो बैलेंसिंग लेंथ 30 है, तो आपको इसमें आर निकालना है क्या है? अब रूल वही है, गैल्वेनोमेट्रिक रीडिंग जीरो, तो ऊपर करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू ई वन डिवाइडेड बाई आर प्लस 15। अब मुझे ई वन की वैल्यू क्वेश्चन में 2 गिवन है, तो करंट है 2 डिवाइडेड बाई आर प्लस 15, करंट आ गया, आर निकालना है। अब जितना ई नीचे होगा उतना ई ऊपर होगा, तो ई टू नीचे है तो यहां भी क्या है ई टू, तो ई टू होगा क्या, आई करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो E2 is equal to I current into resistance of length 30 centimeter. E2 तो given है 75 millivolt. तो I हमें पता है, और resistance 30 centimeter की क्या होगी निकाल लो, कैसे, 1 meter का मतलब 100 centimeter की resistance 15 है, 1 का मतलब इतना, और 30 centimeter में इतनी, तो आप इस resistance को यहां put कर देना, आपके पास R की value आ जाएगी। करना तो घूम फिर के वही है, ओम लॉ, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, इफ E2 300 कर दूं, 75 की जगह E2 300 कर दूं, तो बताओ बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी। पहले E2 कितना था, पहले E2 75 था, तो बैलेंसिंग लेंथ क्या थी 30। अब E2 कितना है, 300 है, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है L2, E1 by E2, L1 by L2 आंसर, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो ये कुछ क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर के। इसके बाद जैसे सपोज ये एक शीट है पोटेंशियोमीटर की, शीट नंबर 28, शीट नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखें। का क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज, ओके okay, पहला क्वेश्चन है, द सर्किट शोन हेयर इज यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो ये क्या करना चाह रहा है, दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना चाह रहा है। इसमें ई वन बड़ा है और ई टू छोटा है, ठीक है, ई वन बड़ा है ई टू छोटा है, गिवन है। तो वो कह रहे हैं नल पॉइंट इज एट सी, नल पॉइंट का मतलब है बैलेंसिंग लेंथ कहां पर है, सी, जब गैल्वेनोमीटर ई वन के साथ कनेक्टेड है। देखो E1 बड़ा है, जितनी बड़ी EMF होगी बैलेंसिंग लेंथ भी उतनी बड़ी होगी, तो E1 के साथ ये AC है। अगर मैंने बैटरी चेंज कर दी, E1 की जगह E2 लगा दी, और E2 वीक है, कमजोर है, तो बैलेंसिंग लेंथ अब छोटी हो जाएगी, तो जॉकी काम मूव करेगी राइट की लेफ्ट, लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब है ये ऑप्शन लेफ्ट,
पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है, मैंने क्या किया, इस रियोस्टैट को बढ़ा दिया, आर बढ़ गया, नीचे मैंने इस ईएमएफ को मेजर किया हुआ है, इसके बैलेंसिंग लेंथ आई हुई है जे पे, तो जब मैंने आर को बढ़ाना शुरू किया तो चौकी कहां मूव करेगी, राइट की लेफ्ट। अब रूल क्या है, रूल ये है कि अगर ये मान लो ईएमएफ 10 वोल्ट की है तो ऊपर भी अभी कितनी आई हुई है, 10 वोल्ट ही आई हुई है, और ओम लॉ अगर मैं लगाऊं तो यहां का जो भी करंट है वो इसमें जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू करंट आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ, जो भी बैलेंसिंग लेंथ है, मान लो एल, मान लो बैलेंसिंग लेंथ क्या है इसकी, एल है, तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ऐसे करते हैं ना, तो 10 इज इक्वल टू आई इनटू लेंथ। अब वो कह रहा है कि मैंने आर को बढ़ा दिया, आर बढ़ने से आई कम हो गया, पर इनका प्रोडक्ट तो हर हालत में 10 ही आना चाहिए, तो अगर आपका आई कम हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी, लेंथ की वैल्यू इसकी बढ़ गई, लेंथ बैलेंसिंग बढ़ेगी तो जॉकी कहां शिफ्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स राइट, तो आंसर इज टुवर्ड्स राइट का मतलब भी आंसर, एक को तो बढ़ना ही पड़ेगा, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी तो चौकी राइट जाएगी। ठीक है यहां तक। अगला क्वेश्चन मीटर ब्रिज पे है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें रेजिस्टेंस आर इज टू बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर ब्रिज, वो कह रहे आर को मुझे मेजर करना है, स्टूडेंट की मर्जी होती है, वो एक रेजिस्टेंस अपनी मर्जी की कोई भी चूज कर सकता है, मान लो उसने 100 चूज कर ली, तो बैलेंसिंग लेंथ जो आई मीटर ब्रिज में वो 2.9 सेंटीमीटर आई, तो मीटर ब्रिज में अगर एक लेंथ 2.9 है तो दूसरी 100 माइनस 2.9 है। ठीक है, तो इस स्टूडेंट ने इसको बैलेंस किया, आर अपॉन 100 इज 2.9 अपॉन 100 माइनस 2.9, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, तीनों, तो उसने टीचर को बोला कि तीनों मेरा आंसर आ गया, तो वो कहता है कि ही इज टोल्ड, उसे कहा गया टू अटेम्प्ट टू इंप्रूव द एक्यूरेसी, वो कहता है टीचर कहता है जा फिर से कर लेकिन थोड़ा एक्यूरेट आंसर दे। अब वो सोच रहा है यार एक्यूरेट कैसे, नहीं ठीक तो किया है, पी बाई क्यू इज एल बाई 100 माइनस एल, ये तो करते हैं, तो चार ऑप्शंस उसको दी गई, तो ये रेजिस्टेंस उसकी मर्जी की थी और ये कैपिटल आर 3 ओम आया, वो उसके हाथ में नहीं था क्योंकि जो आना था वही आया, और ये क्योंकि उसको पता नहीं था कि कैपिटल आर 3 ओम आएगा, उसने जो वो सेट ऑफ रेजिस्टेंसेस है उसमें से एक उठाई 100 पुट कर दी। अब मैंने आपको सिखाया था कि ब्रिज बढ़िया काम करता है अगर दोनों रेजिस्टेंसेज का ऑर्डर, मतलब ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर नहीं, उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो
वो सेम ही, 19:21 का फर्क हो ताकि ब्रिज मिड पॉइंट में जाके बैलेंस हो। इसमें बहुत अंतर है रेजिस्टेंस में, एक 100 है और दूसरी 3 है, 100 और 3 है, 100 और 3 के अंदर ज्यादा फर्क है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो वो क्या करेगा, वो इसको तो कंट्रोल नहीं कर सकता 3 को, वो तो है ही जो है। वो क्या करेगा, अगले एक्सपेरिमेंट में जो उसकी चॉइस है उसको चेंज कर देगा, वो 100 नहीं चूज करेगा, वो छोटी चूज करेगा 3 के आसपास, ताकि मिड पॉइंट में जाके जॉकी मूव करे। तो मीटर ब्रिज तभी सही काम करता है अगर रेजिस्टेंस सेम उसकी हो, वैल्यू की हो। तो क्या ऑप्शन आएगा, वो एस को क्या चेंज कर देगा नेक्स्ट टाइम, 3, उसकी एक्यूरेसी बढ़ी आएगी। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर वायर जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, ये 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है, और रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर कैपिटल आर और बैटरी 2 वोल्ट की, सोर्स ऑफ ईएमएफ 10 मिली वोल्ट है और 40 सेंटीमीटर की बैलेंसिंग लेंथ है। वही सेम क्वेश्चन अभी करवाया था, कैपिटल आर निकालो कैसे होगा। इसमें पहले करंट निकलेगा, करंट क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय R प्लस 10, फिर ये अगर 10 मिली वोल्ट है तो ये भी 10 मिली वोल्ट है, बैलेंसिंग लेंथ है, तो 10 मिली वोल्ट इज करंट I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 40। तो करंट I की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय R प्लस 10, और रेजिस्टेंस 40 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस क्या है 10, 1 की इतनी और 40 की 4 ओम, तो इसकी जगह 4 आंसर R की वैल्यू आ गई। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर?